जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में अब पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। जी हां, पीओके में इस वक्त कई ऐसी चीनी कंपनियां एक्टिव हैं और उनकी मदद से एलओसी के पार मजबूत बंकर भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी गुट जैश के एक बड़े कमांडर का ऑडियो टेप मिला है और इस टेप में अयोध्या और राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सर का नाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। सुरक्षा एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मंदिर को उड़ाने के लिए इस आतंकवादी संगठन ने अप्रैल 2001 में भी अपने तीन आतंकवादियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन सटीक जानकारी के आधार पर लखनऊ और उसके आसपास सुरक्षा बलों की इन तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई जिसमें तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। खबर है कि अब अयोध्या पर मंडराते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार आतंकवादियों से निपटने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अयोध्या में एक हब बनाना चाहती है। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। ये देश में एनएसजी का छठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है, उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है, पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और पांचों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालातों को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई।
क्योंकि आने वाले 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं, लिहाजा वहां के हालातों पर खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की पैनी निगाहें हैं। इस दौरान अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक के दौरान बताया गया कि जम्मू के सांबा बॉर्डर से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ की गई है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोगों का एनुअल एक होता है, इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशियंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर खबर यह है कि बड़े खतरे को देखते हुए इस बार यात्रा के लिए 500 से ज्यादा कंपनी फोर्स तैनात की जाएगी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की फोर्स होगी। पंजाब में मौजूद कई कंपनियों को अब वापस जम्मू भेजने की तैयारी है। इस फोर्स को चुनाव के दौरान तैनात किया गया था। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद अब अमरनाथ यात्रा रूट पर फोर्स की तादाद बढ़ाना जरूरी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की फिर से जिम्मेदारी संभालने के बाद अमित शाह ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को ही कई विभागों के प्रमुख से मिले और देश के हर एक कोने के बारे में अपडेट लिया है। आतंकवादी अब सुरक्षा बलों की गाड़ियों के साथ साथ आम गाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं, इसीलिए 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासी में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों पे जबरदस्त दबाव है और इसीलिए अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को ले जाने की जिम्मेदारी रोडवेज बसों की होती है। यात्रा में रोज 80 से 90 बसें और बाकी गाड़ियां एक तरफ से जाती हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान 200 से 250 तक गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। 9 जून को रियासी में हुए बस पर हमले को लेकर अब अमरनाथ यात्रियों की बसों को और ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है। खीर भवानी मेले के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। हालांकि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने भी न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा कि मल्टीलेयर सिक्योरिटी लगा दी गई और आप देख सकते हैं उसका सबूत यह भी है कि ड्रोन के जरिए भी यहां पे सर्वेलेंस की जा रही है। इस पूरे एरिया में ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है और आप देख सकते हैं ड्रोन की पूरी फुटेज जो है वो यहाँ पे मिल रही है और ड्रोन को हर साइड से घुमाया जा रहा है। यहाँ पे सीआरपीएफ हो, पुलिस हो और बाकी जो अन्य सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। कश्मीर घाटी में इस वक्त 150 से ज्यादा आतंकवादी एक्टिव हैं। इसमें 70 से 80 विदेशी बताए जा रहे हैं। बड़ा खतरा घाटी में ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र में भी है, क्योंकि यात्रा रूट तो यहीं से होकर कश्मीर घाटी तक पहुंचेगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यही वो सड़क मार्ग है जहां से अमरनाथ यात्री जम्मू, जो कि सबसे पहला बेस कैंप है, यहां से श्रीनगर के लिए रवाना होते हैं। और जो दोनों रास्ते हैं, चाहे वो बालतल हो या पहलगाम, वहां तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते, इसी हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि जो ट्रांजिट कैंप है जहां पे अमरनाथ यात्री रहते हैं, रात भर ठहरते हैं और उसके बाद अपना जो यात्रा है शुरू करते हैं, वहां भी जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जम्मू, रजौरी और जम्मू पठानकोट हाईवे पर अलर्ट का ऐलान है। 4 आतंकी हमलों के बाद जम्मू के सभी बड़े मंदिरों और सेना के कैंप पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। आतंकियों का इरादा साफ है, वो अयोध्या पर भी हमला करना चाहते हैं, वो अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना चाहते हैं। ये जगह अब आतंकवादियों के रेडार पर है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में मारे गए आतंकियों से कुछ ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जिससे एक बड़ी तैयारी के बारे में पता चलता है। इसमें माइक्रो सैटेलाइट फोन मिला है जो अक्सर पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। मारे गए आतंकी इसी माइक्रो सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क साधे हुए थे। इस वक्त जम्मू के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा और आसपास भी निगाह रखी जा रही है। डोडा के कोटा टॉप की पहाड़ियों पर भी लगातार आतंकियों के ढूंढने की कोशिश चल रही है। भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने पहाड़ों पर मोर्चा संभाला हुआ है। रियासी के घने जंगलों में भी आतंकवादियों की तलाश जारी है। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हुई है। पीएम मोदी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। पीएम मोदी के एआई पर की गई पहल की बेहद तारीफ हुई है, प्रशंसा की गई है। G7 समिट में भारत की छाप हर जगह देखने को मिल रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते के जरिए मेहमानों का स्वागत भी कर रही हैं। तो वहीं G7 शिखर सम्मेलन ने चीन की टेंशन को 10 गुना बढ़ा दिया है। G7 में भारत का दम, मोदी का ग्लोबल अंदाज। भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए सुपर पावर बेटा। G7 में टॉप पर पीएम मोदी का एजेंडा। बड़ा मंच, बड़े लीडर और बोल्ड फैसले। इटली के अपोलिया में सुप्रीम लीडर्स के बीच दिखी गर्मजोशी ने कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है। ये मेल मिलाप, सार्थक वार्तालाप बड़े मसलों को एक झटके में हल करने की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि इटली के अपोलिया में G7 का स्टेज सजा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां यहां जुटी हैं। वैश्विक मसलों के समाधान की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जिस एक हस्ती ने इस बार G7 की सारी सुर्खियां बटोरी हैं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का ऐसा जोरदार वेलकम इटली में हुआ है जिसकी हर जगह चर्चा है। G7 में मोदी की धूम मची है। पीएम मोदी से मेल मुलाकात के लिए शक्तिशाली देशों के सुप्रीम लीडर की बेताबी देखते ही बन रही है। मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में सबसे ज्यादा अहमियत पीएम मोदी को दी है। G7 जैसे बड़े मंच पर भारत का ऐसा दबदबा दे, कुछ देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि G7 में जुटे लीडर निर्णायक फैसले ले सकते हैं। G7 में कौन कौन मौजूद है ये जानिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन G7 समूह के सदस्य के तौर पर समिट में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी समूह के सदस्य देश के नेता के नाते शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ग्लोबल लीडर के साथ कई देशों के सुप्रीम लीडर को भी G7 समिट में निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि इस बार G7 का एजेंडा व्यापक है। इटली में जुटी महाशक्तियों का उद्देश्य दुनिया में बढ़ती महंगाई और व्यापार से जुड़ी चिंताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए आर्थिक नीतियों को कोऑर्डिनेट करना है। शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने की रणनीति भी बनाई जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। G7 में वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य आपातकाल के लिए सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा G7 में दुनिया भर में चल रहे सैन्य संघर्ष पर चर्चा होनी है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 समूह के देशों का पूरा फोकस है। G7 समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शिखर सम्मेलन से बड़ी आस है, क्योंकि अपोलिया में G7 के स्टेज पर यूक्रेन के हालात पर एक पूरे सत्र का आयोजन किया गया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर दोस्ती का इजहार किया है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट कर रूस यूक्रेन युद्ध को शांति से हल करने का रास्ता भी सुझाया है। G7 में एशिया महाद्वीप से सिर्फ भारत को निमंत्रण दिया गया है, जबकि दूसरे सर्वोच्च नेताओं में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोन, कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो और ट्यूनिशियाई राष्ट्रपति कैस सईद भी G7 में आमंत्रित हैं। अब पुलिया में हो रहे G7 सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के विकास पर भी चर्चा हो रही है, मगर भारत को G7 में सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में ग्लोबल लीडर का वेलकम जिस अंदाज में किया, उससे भारत का मान बढ़ा है। मेलोनी ने एक नहीं, दो नेताओं का स्वागत नमस्ते के जरिए किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। G7 में नमस्ते डिप्लोमेसी का डंका बजने की वजह पीएम मोदी माने जा रहे हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन एशिया महाद्वीप में सिर्फ पीएम मोदी को समिट में निमंत्रण देकर बुलाया गया है। विश्व बिरादरी में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की छाप हर जगह दिखाई दे रही है। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों की कुछ मजबूरियां भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यही नहीं, भारत की आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है। जहां अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं, वहीं भारत में ये संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। भारत में 68% आबादी कामकाजी है और 65% आबादी 35 साल से कम की है। भारत में युवा, स्किल और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है। भारत दुनिया के लिए प्रमुख आर्थिक इंजन बन चुका है। भारत को साथ रहे G7 के सभी देशों को कई और समीकरण भी साधने हैं। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी यूरोप के G7 देशों ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीतियां तैयार की हैं। इटली ने भी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। भारत से रिश्ते प्रगाढ़ बनाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि चीन जैसे चालबाज देश की गार्ड किसी भी यूरोपीय देश में नहीं है। अमेरिका भी चीन से अकेले आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ने लगा है। विस्तारवादी चीन को काबू करने का दम सिर्फ भारत रखता है। ये बात G7 के सभी सदस्य देश अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन को कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। चीन की इकोनॉमी को भी G7 समूह एडवांस नहीं मानता है।